नगर निगम मुख्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आधार कार्ड अपडेट कराने तथा नया कार्ड बनाने, नाम और जन्मतिथि सुधार को लेकर अनेकों लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ भाड़ के कारण यहां आए लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा है। आधार अपडेशन सहित आधार से संबंधित विभिन्न कार्यों को लेकर निगम मुख्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आधार कार्ड बनाने में लगे कर्मचारियों द्वारा मात्र 120 लोगों को ही टोकन प्रदान किया जाता है। आधार कार्ड के कार्य में लगे कर्मचारियों की कमी की वजह से यहाँ आधार कार्ड कार्यालय में मेला सा लगा रहता है। पूर्व में लोगों की सुविधा के मद्देनज़र यहाँ बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जो अब कहीं नज़र नहीं आती। बढ़ती भीड़ के कारण एक दूसरे से संपर्क में होने की वजह से यहाँ लोगों के संक्रमित बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं टोकन नहीं मिलने की वजह से दूर दराज के क्षेत्र से आधार कार्ड अपडेशन को लेकर पहुँचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। आधार कार्ड कर्मी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा कुछ नहीं है, रोज यहाँ पे टोकन दे दिए जाते हैं। 120 लोगों का टोकन बैठता है, तो वो 120 लोग रहते हैं यहाँ पे। हालांकि सबको बोल दिया गया अपने टाइम से आए, बट जितने भी लोग टोकन लेके हैं वो इंतजार में खड़े रहते हैं कि हमारा हो जाएगा। 120% जितने टोकन बैठे सब खत्म हो जाए। अभी कुछ ये स्कूल गए हैं, क्या है बाहर रहता है, पब्लिक बच्चे सब धम मचाते रहते हैं। बहरहाल बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यहां आधार कार्ड में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। साथ ही प्रतिदिन जो टोकन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी करने के उपरांत ही व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।